और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस चाहते हैं कि ये जबरदस्ती की शादी खत्म हो और हम घर जाएं। अरे पानी के लिए। दीदी, जबरदस्ती की शादी से क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो दीदी। आपने तो देखा ही होगा कि कार्तिक भैया बिल्कुल खुश नहीं है इस शादी से। माँ ने जिद की और बेचारे कार्तिक भैया को जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। बाकी जिद ही ऐसी है, सबको सुननी पड़ती है। हम भी तो सुन रहे हैं यहाँ रहकर। लिपिका, अरे तू ये क्या कर रही है? मेरी चिट्ठी, तुझे कुछ रेडी वेडी नहीं होना क्या? यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रही है? लिपिका, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी चिट्ठी ऐसे क्यों फेंक दी? अगर ये शादी हो गई ना, तब तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। अब देखती हूँ कैसे होगी तेरी शादी। मुझे भी कहाँ पता था कि कार्तिक की शादी इस तरह से इतनी जल्दी हो जाएगी। अब तक सपना सा लग रहा है मुझे। बॉसी जी, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। आप, एक्सक्यूज मी, क्या बात है मंगल? सब कुछ ठीक तो है ना? मौसी जी, वो निधि कह रही है कि निधि को तुम इग्नोर करो, उसके नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। बिगड़ गई है वो, पर मैंने उसे समझा दिया है, एडजस्ट कर लेगी वो। मौसी जी, कार्तिक के जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। अगर मंगल या लक्ष्मी को जिया और कार्तिक के बारे में पता चल गया ना, तो वो उसी समय शादी तोड़ देंगे। ये क्या कह रही हो तुम मंगल? मौसी जी, मुझसे दीदी ने कहा कि ये शादी जबरदस्ती। अरे वो तो बच्ची है, कुछ भी कह देगी। और वो सब कुछ सुन के तुम मुझसे सवाल करने चली आई? नहीं मौसी जी, मैं तो बस आपसे पूछने आई हूँ।